प्रिय विद्यार्थियों, ऑल स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट। कल हम लोगों ने रिक्शिया की लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम लोग मार्केंसेल्स ऑर्डर के दूसरे सदस्य मार्केंसिया इस पर डिस्कस करेंगे। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा। सर्वप्रथम हम जो मार्केंसिया की सिस्टमेटिक पोजीशन है उसके बारे में विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। डिवीजन ब्रायोफाइटा है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो पौधे हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं तथा नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। इसको क्लास हिपेटिकोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। इसका ऑर्डर मार्केंसियल्स है, फैमिली मार्केंसियसी है और जीनस मार्केंसिया है। इसकी अनेक जातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ जातियां जैसे मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा है, मार्केंसिया रिप्लेंसिस है, मार्केंसिया इंडिका है, मार्केंसिया सिमलियाना है, मार्केंसिया पामेटा आदि जातियां। इस वंश में लगभग 65 जातियां विश्व के समस्त भागों में वितरित है। ये जातियां सामान्यतः नम ठंडे व छायादार आवासों में पाई जाती है। जली हुई भूमि में मार्केंसिया के थैलस प्रचुर मात्रा में उगते हैं। जंगलों में आग लगने के पश्चात मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा पुरोगामी के रूप में, पायोनियर के रूप में उगता है। मार्केंसिया के गेमा उपयुक्त थैलस सभी ऋतुओं में पाए जाते हैं। मार्केंसिया की हम बाह्य संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केंसिया की जो थैलस संरचना है वह लगभग रिक्शिया के समान होती है, लेकिन रिक्शिया से आकार में बड़ा होता है और ये इसके थैलस भी रोजेट फॉर्म में पाए जाते हैं। मार्केंसिया का थैलस प्रोस्ट्रेट या सयान पृष्ठाधर द्विभाजी साकित गहरे हरे रंग का एवं 2 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। थैलस की प्रत्येक शाखा की अपाक सतह पर एक सुस्पष्ट मध्य शिरा पाई जाती है। आवर्तक लेंस से देखने पर इस सतह पर अनेक चतुष्कोणीय क्षेत्र दिखाई देते हैं जो सतह के नीचे स्थित वायु कोष्ठकों की रूपरेखा दर्शाते हैं। प्रत्येक चतुष्कोणीय क्षेत्र के केंद्र में एक छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा वायु कोष्ठक बाह्य वातावरण के संपर्क में रहते हैं। थैलस की अपाक सतह पर मध्य सिरा के दोनों ओर अनेक गेमा कप पाए जाते हैं। विभिन्न जातियों में गेमा कप के उपांत चिकने, कटीले या झालरदार होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं गेमा पाई जाती है। ये कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है। थैलस की प्रत्येक शाखा के उग्र भाग पर एक खांच होती है जिसे अग्र खांच के नाम से जानते हैं। इसमें थैलस का वृद्धि बिंदु होता है। थैलस की अपेक्ष सतह पर मध्य शिरा के दोनों ओर मूलाभास व स्केल पाए जाते हैं। मूलाभास प्राय रंगहीन एक कोशिकीय चिकनी भित्ति युक्त एवं गुल्लिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। स्केल बहुकोशिकीय एक कोशिकीय मोटे एवं सल्कीय होते हैं। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा में मध्य सिरा के दोनों ओर सल्कों की 3-3 पंक्तियां पाई जाती है। मार्केंसिया में स्केल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का जो उपांगी युक्त स्केल कहलाते हैं, ये बड़े आकार के फनाकार होते हैं।
जो मध्य शिरा के दोनों ओर भीतरी पंक्ति में स्थित रहते हैं। दूसरा लिगुलेटेड या जीविकाकार जिव्याकार, ये अपेक्षाकृत छोटे यौम उपांगिका विहीन होते हैं। ये अव्यक्त सतह पर उपांत की ओर पाए जाते हैं। इनका कार्य वृद्धि शीर्ष को सुरक्षा प्रदान करना होता है। थैलस की परिपक्वता पर अपाक सतह पर विशेष प्रकार की उदग्र जनन संरचनाएं बनती है। नर थैलस में उत्पन्न विशेष शाखाएं पौधानी धारण करती है, इन्हें एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। ता मादा थैलस में स्त्री धारण करने वाली शाखाओं को आर्कोर के नाम से जाने जाते हैं। मार्केंसिया में एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर का पाया जाना रिक्सिया से विभेदता दर्शाता है, और ये दोनों जो संरचनाएं हैं इनको हम थैलस का एलोंगेशन या दीर्घीकरण के नाम से जानते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना। मार्केंसिया के थैलस का जब हम VTS काटते हैं तो इसमें निम्न तीन भाग दिखाई देते हैं। सबसे बाह्य त्वचीय क्षेत्र ऊपर की ओर, मध्य में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और तीसरा संचय क्षेत्र। इस प्रकार से सबसे बाहर की ओर ऊपर की ओर जो अपर एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस में छोटे छोटे एयर पोर्स पाए जाते हैं। ये एयर पोर्स वातावरण से जुड़े हुए होते हैं तथा अपर एपिडर्मिस पिलर के समान जो पार्टीशंस वाल हैं, ये पार्टीशंस वाल का निर्माण हो जाता है। और पार्टीशंस वाल्स के नीचे इसमें नीचे की ओर एक परत पाई जाती है जिसके ऊपर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स बने रहते हैं। तो रिक्सिया में जो सबसे अपर जो लेयर थी और प्रत्येक जो कोशिका थी ऊपर वाली एपिडर्मल सेल्स वाली, वो प्रत्येक सेल्स के बाद एयरपोर्स पाए जाते थे, उसमें एयर स्पेस पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर इसमें पूरी की पूरी जो अपर एपिडर्मिस है मार्केंसिया के अंतर्गत, उसमें छोटे छोटे एयरपोर्स पाए जाते हैं और उनमें एक पूरा ये प्रकाश संश्लेषी जो तंत्र होता है या एयर चेम्बर जो बनता है, इसमें अनेक प्रकाश संश्लेषी फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद इसके नीचे की ओर मृदुत्तकीय कोशिकाओं युक्त संरचना होती है जिसे हम संचय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के ठीक नीचे स्थित होता है। ये क्षेत्र बहुभुजीय मृदुत्तकीय कोशिकाओं की चार से अधिक परतों द्वारा निर्मित होता है। थैलस के मध्य भाग में ये चौड़ा तथा उपांत की ओर पतला होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता तथा इन सेल्स के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश भी नहीं होते हैं, और ये क्षेत्र की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण के निर्मित स्टार्च और प्रोटीन को संग्रहण करने का कार्य करता है। इस क्षेत्र की कुछ कोशिकाओं में तेल तथा श्लेष्मीय पदार्थ युक्त एवं कुछ जालिका रूपी स्थूलन पाए जाते हैं। संचय क्षेत्र की सबसे निचली परत की कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर राइजोइड्स व स्केल्स बनाती है। अब हम इसके अंतर्गत रिप्रोडक्शन का वर्णन करेंगे। मार्केंसिया में जनन कायिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। कायिक जनन के अंतर्गत थैलस की प्रगामी मृत्यु व सड़न से, रिक्सिया की भांति ही इसमें भी जो थैलस गलन और सड़न या किसी भी घटना या दुर्घटना के तहत जब सड़ता गलता हुआ आता है तो उस समय
ये वृद्धि बिंदु तक पहुंचता है और वृद्धि बिंदु के पश्चात जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो प्रत्येक भाग विकसित होकर नए थैलस का निर्माण करता है। अपस्तानिक शाखाओं द्वारा कुछ जातियों में थैलस की अभ्यक्ष सतह से अपस्तानिक शाखाएं निकलती है जो मात्र थैलस से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करती है। इसी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रकार का कायिक जनन होता है वो होता है गेमा द्वारा। ये एक विशेष प्रकार के अलैंगिक पिंड होते हैं जो थैलस की अपाक सतह पर मध्य सिराक क्षेत्र में स्थित प्यालानुमा गेमाधानी में विकसित होते हैं। प्रत्येक गेमाधानी के तल से अनेक छोटे सवृंत हरे बिंब के समान गेमा उत्पन्न होते हैं। गेमाधानी के मध्य में स्थित गेमा कुछ मोटे तथा परिधि की ओर स्थित गेमा पतले होते हैं। प्रत्येक गेमा के मध्य भाग में एक दूसरे के सम्मुख एक खाँच पाई जाती है। इन खाँचों पर वृद्धि बिंदु स्थित होता है। गेमा की अधिकांश कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है लेकिन दोनों सतहों की कुछ पृष्ठीय सेल्स अपेक्षाकृत बड़ी एवं सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। इन सेल्स को मूलाभास सेल्स कहते हैं। गेमाधानी के आधार से गेमा के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म गदाकार म्यूसिलेज रोम उत्पन्न होते हैं। इनसे स्रावित म्यूसिलेज जल अवशोषण कर गेमा के स्फुटन में सहायक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में गेमा द्विपार्श्व सम्मित होता है। परिपक्व गेमा भूमि में गिरने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों पर अंकुरण प्रारंभ कर देता है। इसकी जो सतह मिट्टी के संपर्क में आती है उस सतह पर उपस्थित रंगहीन मूलाभास कोशिकाएं सक्रिय होकर मूलाभास बनाती है और परिणाम स्वरूप ये सतह थैलस की अभ्यक्ष कहलाती है तथा मूलाभासों द्वारा जल के अवशोषण के साथ गेमा के दोनों पार्श्व खाँचों में स्थित वृद्धि बिंदु सक्रिय होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गेमा के अंकुरण से दो थैलस बनते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं। कुछ समय पश्चात गेमा का केंद्रीय भाग अपहासित होकर दो अलग अलग थैलस बनाता है और प्रत्येक नर थैलस में विकसित गेमा के अंकुरण से नर थैलस तथा मादा थैलस में विकसित गेमा के अंकुरण से मादा थैलस का निर्माण होता है। सामान्य रूप से मार्केंसिया की अधिकांश जातियों में गेमा का निर्माण होता है और गेमा द्वारा ये कायिक जनन प्रचलन में बहुतायत से पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मार्केंसिया में जननांगों का विकास एक विशिष्ट उदग्र शाखाओं में होता है। इन शाखाओं को गेमिटोफोर कहते हैं। एंथ्रीडियम का निर्माण जिन शाखाओं पर होता है उनको एंथ्रीडियोफोर तथा मादा जननांग धारण करने वाली गेमिटोफोर को हम आर्चिगोनियोफोर के नाम से जानते हैं। ये शाखाएं थैलस के उग्र खाँच पर स्थित वृद्धि बिंदु से विकसित होती है और जननांगों के निर्माण के पश्चात थैलस की कायिक वृद्धि रुक जाती है। वास्तव में ये युग्मकधर थैलस का ही दीर्घन है। इस तथ्य की पुष्टि इनमें वाई कोष्ठकों वायु छिद्रों स्केल्स व मूलाभासों की उपस्थिति से होता है। इनका निर्माण वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन पदार्थों की अधिकता जननांगों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है तथा कुछ अपवादों को छोड़कर मार्केंसिया की अधिकांश जातियां विषम जालिक होती है। एंथ्रीडियोफोर। प्रत्येक पौधानिधर 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा उदग्र वृंत युक्त संरचना है जिसके शीर्ष पर एक 8 पालित क्षैतिज डिस्क होती है। मार्केंसिया जेमिनेटा में ये डिस्क हस्ताक्षर पालित होती है। इसमें केवल 4 पालियां पाई जाती है। प्रत्येक पाली में एक वृद्धि बिंदु स्थित होता है जो शाखा के शीर्ष को दर्शाता है। डिस्क की ऊपरी सतह उत्तल होती है। इसकी ऊपरी बाह्य त्वचा में अनेक बेरल रूपी वायु छिद्र या ओस्टियोल पाए जाते हैं। प्रत्येक ओस्टियोल एक फ्लास्कनुमा पौधानी कोष्ठक में खुलता है और प्रत्येक पौधानी कोष्ठक में एक पौधानी पाई जाती है।
वायु छिद्र के नीचे वायु कोष्टक में कायक थैलस के समान अनेक प्रकाश संश्लेषित तंतु पाए जाते हैं। पौधानिधर के व्रंत में मूलाभास व स्केल युक्त दो अनुदैर्ध्य खांचे होती है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडियम। मार्केंसिया में पौधानि का विकास रिक्सिया की पौधानि के समान होता है और इसमें उसी प्रकार से जिस प्रकार से रिक्सिया के अंतर्गत जो थैलस प्रारंभिक जो एंथ्रिडियल इनिशियल जो सेल है उस सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, दो सेल्स बनाता है, आउटर सेल और बेसल सेल। आउटर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होने से तीन से चार कोशिकाएं बन जाती है जिनमें ऊपर वाली जो दो कोशिकाएं हैं प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल कहलाती है और नीचे वाली जो दो सेल्स हैं वह प्राइमरी स्टॉक सेल के नाम से जानी जाती है। जो अपर प्राइमरी सेल्स है जो प्राइमरी एंथ्रिडियल सेल्स ऊपर वाली है उन सेल्स में वर्टिकल डिवीजन होने की वजह से आठ कोशिकीय अष्टांग बन जाता है। फिर इन कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होने से बाहर की ओर जैकेट सेल प्राइमरी जैकेट सेल्स बन जाती है। इन जैकेट सेल्स में एंटीक्लिनल डिवीजन होता है और ये जो कोशिकाएं एंथ्रिड बनने वाला एंथ्रिडियम है उसके चारों तरफ एक जैकेट का निर्माण कर लेती है। तत्पश्चात भीतरी जो सेल होती है ये इसमें जिनको हम प्राइमरी एंडोगोनियल सेल के नाम से जानते हैं इनमें अनेक विभाजन होते हैं ट्रांसवर्सली और वर्टिकली। फिर ये एंड्रोगोनियम टिश्यू का निर्माण कर लेते हैं अर्थात एंड्रोसाइट्स बन जाते हैं। ये प्रत्येक जो एंड्रोसाइट्स क्यूबिक आकार के होते हैं इनमें विकर्ण विभाजन होता है और विकर्ण विभाजन होने के पश्चात प्रत्येक एक एंड्रोसाइट सेल से दो एक कोशिकीय द्विकसाबिकीय पुमनों का निर्माण हो जाता है। ये पुमाणु वातावरण में पानी की परत पर जम जाते हैं। इस प्रकार से एंथ्रिडियम का जो विकास है वह भी इसमें रिक्सिया मार्केंसिया में रिक्सिया की भांति ही होता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियोफॉर्म।